प्रेमियों सामरी हरी पहुंच गए हां गोकुल में, और गोकुल में अब प्रभु की बाल लीला प्रारंभ होगी। लेकिन यहां माता देव की रो रो करके दुखी हो रही है। माँ देव की सोच रही है मेरे लाल को गई, क्योंकि प्रभु का उधर तो लालन पालन हो रहा है। नंद जी के द्वार पर तो जब भीड़ लग गई सुबह से ही लोग आपस में चर्चा करें कि नंद बाबा की वृद्धावस्था में लाला भयो है, लाला भयो है। तो प्रेमियों नगर के लोग, गोकुल के जो लोग हैं आकर के और बधाई देने लगे हैं। बाबा बधाई हो, तो बधाई में क्या क्या लेकर जा रहे हैं? कोई सोना तो कोई चांदी के बने हुए जेवर, कोई उपहार लेकर के आ रहे हैं तो कोई हीरे तो कोई पन्ने तो कोई वस्त्र, अलग अलग सब उपहार लेकर के आ रहे हैं। नंद बाबा के द्वार पर जो ही नंद बाबा से कहें, मैया से कहें, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, नंद बाबा कहने लगे भैया हो इसमें मेरी क्या बड़प्पन है, मेरा ये सब आप लोगों की कृपा है, नहीं तो इस वृद्धावस्था में मेरे कहां संतान का सुख था, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन बाबा विशेष कृपा हो गई आपके यहाँ लाला का जन्म भयो है। तो प्रेमियों सभी नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लग गई है। अब तो जगह जगह से बधाई आने लगी है। चिकसौली, रसौली, ऊंचा गांव, छठी कला, नंदगांव, बरसाना, अनेकों गांवों से जब बधाई आ करके और सखियां भी आ करके बधाइयां दे रही है। अब प्रेमियों एक तरफ तो प्रसन्नता का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी ओर अब प्रेमियों ये सब भाग्य की बात है। जिसने जन्म दिया उस माँ के तो आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिसने जन्म दिया उसके तो आंखों के आंसू नहीं पूछ रहे हैं, और जिसने जन्म नहीं दिया वो आनंदित हो रही है। तो देव की रो रो करके प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है, कन्हैया हे लाल तो इस माँ को भैया भूल मत जाना। बेटा मैं तो तुम्हें जन्म दे करके भी ये नहीं कह सकती कि तू मेरा है। कैसी माँ हूं मैं? जन्म दे करके भी दुनिया को ये बता नहीं सकती कि तू मेरा लाल है। वो भाग्यशाली है लाला जो तुझे गोद में खिला रही होगी, दूध पिला रही होगी। वो बड़ी भाग्यशाली हैं, और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो तेरे लिए बधाई ले लेकर के आ रही होंगी। लेकिन मैं तो तुझे बधाई भी नहीं दे सकता।